हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं संजीव शर्मा आज आपको टॉपिक लेके आई हूँ दल शिक्षण, जिसे हम कहते हैं टीम टीचिंग भी बोलते हैं इसे। हम इसे हम सहकारिता शिक्षण विधि भी कहते हैं, इसे हम समूह टीचिंग भी कहते हैं। ये हमारे दल शिक्षण के नाम से जानी जाती है। सबसे पहले इसे हम जो नाम है इसका दल शिक्षण, जिसे हम सहकारिता शिक्षण विधि भी कह सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये दल शिक्षण यानी कि छोटे छोटे दल, जिसमें हम जो कक्षा कक्ष के अंदर हम शिक्षक जो एक दल के साथ कक्षा कक्ष में अध्यापन करवाते हैं, एक साथ दो या दो से अधिक शिक्षक अपना जो विषय विशेषज्ञ होते हैं वो अपने एक ग्रुप में छोटे छोटे ग्रुप में लेकर एक साथ कक्षा कक्ष में अनेक समूह लेकर जिनका दल बनाया जाता है, दल बनाकर उनका एक साथ वो अध्यापन प्रक्रिया करवाते हैं, यानी कि शिक्षकों का दल जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक जाकर कक्षा कक्ष को अध्यापन करवाते हैं। एक ये दल शिक्षण को हम आज की नवाचार विधि भी कहते हैं। ये हमारी नई विधि है, इसे हम नवाचार विधि भी कहते हैं। एक बच्चों, ये 1955 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो यूएसए में है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस शिक्षण विधि का शुरुआत की थी 1955 में। 1955 यानी 1955 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जो हमारे यूएसए में है, उन्होंने इनका प्रतिपादन जो इनकी शुरुआत की थी एक नवाचार विधि के रूप में, क्योंकि इससे हम जानते हैं कि जब हमारे पास हम ये चीज मानते हैं कि हमें ज्ञान जब एक से मिले या एक से अधिक मिले तो हमारा इस चीज में इम्प्रूवमेंट। हम ये जानते हैं कि जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं अगर हम एक से अधिक लोगों से वो अर्जित करते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारा ज्ञान होता चला जाता है। तो ये टीम टीचिंग करने के लिए अगर हम कहें कि ये टीम टीचिंग का अगर हम कहें कि क्यों करें, तो हम ये जानते हैं कि जब हम अनुभव और ज्ञान हम जब अलग 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 शिक्षकों के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है, तो वो जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं वो ज्ञान हमारा और अधिक स्ट्रांग होता है। तो अगर हम इसके लिए कहें कि ये हमारा दल शिक्षण के लिए अर्थ हुआ, मैंने बताया कि ये 1955 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसे शुरू किया था यूएसए में, और दल शिक्षण का हम अर्थ देखेंगे, मैंने बताया भी है दल शिक्षण को सहकारिता शिक्षण विधि भी कहते हैं, इसे हम टीम टीचिंग कहते हैं। अब हम देखें दल, बच्चों हम ये मानते हैं कि दल क्या होता है, दल शब्द का अर्थ होता है समूह। दल का अर्थ क्या होता है बच्चों? समूह। अगर हम देखें दल का अर्थ होता है, दल का अर्थ समूह होता है। अब इसमें मैंने बताया आपको कि ये अर्थ क्या है इसमें, जब किसी कक्षा कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब वह दल शिक्षण विधि के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था कि इसके अंदर दो या दो से अधिक शिक्षक एक साथ मिलकर कक्षा कक्ष में अध्ययन प्रक्रिया करवाते हैं, और ये शिक्षण की प्रक्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक एक दूसरे के पूरक और संपूरक भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हमारा एक ही विषय के शिक्षक आ सकते हैं, कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि हमारे जो शिक्षक आए हैं उनकी अलग अलग विषय होती है। तो इसमें वो चीज बताई जाती है कि कक्षा कक्ष में किस तरीके से एक से अधिक शिक्षक आकर हमें किस तरीके से एक साथ मिलकर हम टीम टीचिंग कर सकते हैं, इस चीज का इसमें बताया जाता है, या हम कहें कि हमें ये आना चाहिए। क्योंकि और कई बार ये भी होता है कि सेम टॉपिक और सेम विषय के हमारे पास शिक्षक आ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो सेम विषय के अगर हमारे पास टॉपिक आ रहे हैं, सेम विषय के शिक्षक आ रहे हैं, तो हमारा जो ज्ञान हम लेने जा रहे हैं तो उस ज्ञान में हमारे में क्या होगी, बढ़ोतरी। और अगर हम देखें कि वो एक दूसरे के पूरक आ रहे हैं, अगर हम देखें कि जो पढ़ाने वाले पढ़ाया है हमें उसके वो पूरक आए, तो हम ये भी जानते हैं कि जो हम विषय का ज्ञान ले रहे हैं
अगर हम थोड़ा हमारी अदर विषय का या अदर टॉपिक की भी हम नॉलेज देते हैं तो उससे हमारे ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, ना कि कमी। तो ये शिक्षण विधि का आज मैं आपको सबसे पहले इन्हीं चीजों के बारे में मैं ये बताना चाह रही थी कि दल शिक्षण में जो हम पढ़े, हमें स्टीम टीचिंग की जो जानकारी है वो किन किन बिंदुओं के द्वारा, हम इन चीजों में पहले अर्थ मैंने बताया आपको, फिर मैं इसकी परिभाषा बताऊंगी, इसके प्रकार बताऊंगी, सिद्धांत बताऊंगी, कार्य बताएंगे, इसके कौन कौन से कार्य होते हैं, इससे क्या लाभ होते हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है, इन सब चीजों के बारे में हम टीम टीचिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैंने आपको इसका अर्थ बताया बच्चों, इसका अर्थ, इसका जो हमारा उद्देश्य होता है वो उद्देश्य यही होता है कि हम दो शिक्षक, दो या दो से अधिक शिक्षक किस तरीके से कक्षा में जाते हैं और सभी बच्चों का दल में विभाजन करके वो किस तरीके से हमें टीचिंग करवाते हैं। ये एक हमारी कौशलता होती है कि किस तरीके से समूह में रहते हुए वो हमारी क्लास को अनुशासित भी करते हैं, हमें ज्ञान भी देते हैं, ये चीज होती है हमारे इसमें। अब इसमें एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इसमें शिक्षक जो होते हैं वो पूरक भी होते हैं और संपूरक भी होते हैं। अब हम इसकी परिभाषा जाने बच्चों, हम देखते हैं कि अनेकों शिक्षाविद जो हुए हैं उनके सबके अपने अपने तरीके से उनकी परिभाषाएं दी हुई होती हैं, यानी कि उनके स्वयं के उसमें विचार होते हैं कि वो इस जो हमारा विषय है उसके बारे में वो अपने क्या विचार देना चाहते हैं। तो इसमें हम परिभाषा आज लेके आए हैं कार्लो आल्सन की। इनकी परिभाषा है कि दल शिक्षण अनुदेशित परिस्थितियों को उत्पन्न करने की एक प्रविधि है जो अनुदेशन शिक्षक हमें करवाते हैं, अर्थात उस अनुदेशन को उत्पन्न करने की कि किस तरीके से हम उस ज्ञान को और लेना चाहते हैं और शिक्षक को जो हमें अनुदेशन करते हैं, हमें सूचनाएं प्रदान करते हैं, उस वो स्थिति वो इस तरीके से पैदा करते हैं कि अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की प्रविधि है कि हमारे दिमाग में या हम कहें विद्यार्थी के दिमाग में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि वो जिज्ञासु प्रवृत्ति, यानी वो जिज्ञासु प्रवृत्त होकर वो उस चीज का ज्ञान ग्रहण करने की कोशिश करते हैं कि हमने एक शिक्षक से ये लिया लेकिन ऐसी परिस्थिति और उत्पन्न होनी चाहिए जिससे हम उसे आगे से आगे बढ़कर हम दूसरे शिक्षक से भी उसके बारे में जानने की कोशिश करें। तो इससे बताया कि दल शिक्षण अनुदेशन परिस्थितियों को उत्पन्न करने की प्रविधि है जिसमें दो या दो से अधिक शिक्षक शिक्षण योजना का एक कक्षा शिक्षण में एक साथ सहयोग करवाते हैं। मैंने बताया था कि इसमें शिक्षक जो होते हैं क्या दो या दो से अधिक मिलकर वो सहयोग के आधार पर शिक्षा करवाते हैं। बच्चों इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज ये आ जाती है टीम टीचिंग में कि शिक्षक भी अपने ज्ञान को एक दूसरे से बांटने की सोचते हैं, वो एक दूसरे के ज्ञान को ग्रहण करते हैं कि किस तरीके से, कहते ना कि वो अपनी योजनाओं को अपने साथ के टीचर्स से उस चीज का डिस्कस करते हैं कि वो किस तरीके से इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं, अर्थात उसमें खुद में भी एक दूसरे शिक्षक के प्रति सहयोग की भावना उत्पन्न होती है, साथ में उनके ज्ञान में भी उस विषय से संबंधित उस ज्ञान में भी उनकी क्या होती है बढ़ोतरी होती है। तो उसके लिए कहा जाता है कक्षा शिक्षण एक साथ सहयोग करते हैं और दूसरी चीज ये कहा जाता है कि ये योजना जो होती है वो लचीली होती है, अर्थात इसमें हम थोड़ा बहुत हम इसमें परिवर्तन, अर्थात ये परिवर्तनशील होती है, इसमें शिक्षक परिवर्तन कर सकते हैं, वो अपनी आवश्यकता अपने विषय वस्तु के अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, इसलिए इस विधि को एक तरीके से लचीली विधि भी कहते हैं। ये हमारे कार्ल आल्सन की परिभाषा थी। अब मैं ये कहूँ आपको कि एक परिभाषा एसके अग्रवाल के अनुसार भी है इसकी। एसके अग्रवाल जी ने कहा है कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो या दो से ज्यादा अध्यापक सहायक सामग्री के साथ साथ या उसके बिना मिलकर क्या करते हैं योजना बनाते हैं तथा एक या एक से अधिक कक्षा समूह को उपयुक्त अनुदेशन आत्मक स्थान और अवधि को अनुसार निर्देश देते हैं, निर्देश देने के बाद में मूल्यांकन करते हैं तथा वो जो अपनी करते क्यों है इसका मूल्यांकन ताकि जो उनके टोली के सदस्य हैं उनके विशिष्ट योग्यताओं का वो लाभ उठा सके। यानी कि कई बार ऐसा हो सकता है
कि एक शिक्षक जो जा रहे हैं, यानी अगर हमारे साथ दूसरे भी उस विषय विशेषज्ञ के साथ जा रहे हैं, तो वो उसका ज्ञान खुद भी दूसरे शिक्षक प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि जो उनके सहयोगी हैं, उनके ज्ञान से वो अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। यानी कि इससे हम ये मूल्यांकन करते हैं कि जो टोली के जो सदस्य होते हैं, जो शिक्षक भी होते हैं, उसमें स्टूडेंट भी होते हैं, इसमें विशिष्ट योग्यता जो होती है उसका हम लाभ उठा लेते हैं। और बच्चों, इस टीम टीचिंग के लिए हम ये कहेंगे, टीम टीचिंग हमारे शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट और टीचर दोनों को इसका लाभ होता है। स्टूडेंट को क्यों होता है? क्योंकि वो भी एक से अधिक टीचर से उस चीज के बारे में ज्ञान अर्जित करते हैं। और शिक्षक को क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक भी अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं, क्योंकि जब हमारे पास हमारे साथ अगर हम एक से अधिक व्यक्ति या लोग रहते हैं उस विषय से संबंधित, तो हमारे ज्ञान में भी उसमें बढ़ोतरी होती है। तो दोनों के ज्ञान में इसमें बढ़ोतरी होती है, दोनों को लाभ मिलता है। तो ये प्रक्रिया के लिए कहा जाता है कि इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को ही लाभ मिलता है। ये हमारे एस के अग्रवाल जी के कहना था। अब हम इसकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे कि जो हमारे टीम टीचिंग है, मैंने बताया था कि टीम टीचिंग को हम सहकारिता भी कह सकते हैं, सहकारिता शिक्षण विधि भी हम इसे सहकारिता शिक्षण विधि भी कह सकते हैं, सहकारिता शिक्षण विधि या टीम टीचिंग ये भी नाम, इस नाम से भी हम इन्हें संबोधित करते हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विशेषताएं हैं इसकी कि ये जो हमारे शिक्षण विधि है, ये जो हमारा समूह का अध्यापन करवाया जाता है, ये हमारी एक शिक्षण विधि है। इसके लिए कहते हैं कि ये हमारी एक शिक्षण विधि मानी जाती है। यानी कि फर्स्ट विशेषता होती है ये पढ़ाने की, क्योंकि ये टीचर किस तरीके से अध्यापन करवाते हैं वो अपने इस मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि ये मेथड है हमारा। तो ये एक शिक्षण विधि के नाम से जानी जाती है। जो दल शिक्षण है, सहकारिता शिक्षण विधि है, ये एक शिक्षण विधि के नाम से जानी जाती है। फिर दूसरी है इसमें, इस प्रकार के शिल्प में यानी कि जो कार्य होता है, इस कार्य में दो या दो से अधिक शिक्षण कार्य में भाग लेते हैं। जो ये शिल्प यानी ये क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में क्या करते हैं, दो या दो से अधिक शिक्षक इसमें भाग लेते हैं और इस शिक्षण कार्य को संपन्न करते हैं। फिर है कि यह सहकारिता पर आधारित है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण प्रक्रिया आधारित है, इसमें जो भाग लेने वाले शिक्षक हैं, अपने जो साधनों, योग्यताओं और इनके अनुभवों को जो इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, वो किसके ऊपर कब कर सकते हैं, जब उन दोनों में एक दूसरे में सहयोगिता की भावना हो, सहकारिता की हो, यानी कि मिलकर साथ साथ चलने की। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये सहकारिता पर आधारित होती है, एक दूसरे के सहयोग पर आधारित होती है, कि किस तरीके से हम इसमें एक दूसरा शिक्षक एक दूसरे शिक्षक की सहयोग करते हैं। फिर आता है इसमें कि शिक्षक प्रशिक्षण की योजना, यानी शिक्षक क्या करते हैं, जो हम बच्चों को जो प्रशिक्षण देते हैं, उसको जो प्रशिक्षण करने की योजना है वो एक साथ मिलकर बनाते हैं, वो एक कि उन्हें करना क्या है। क्योंकि जहां ये दो या दो से अधिक अगर मिलकर हम इस चीज को संपन्न नहीं कराएं, तो यहाँ हम जान सकते हैं कि इसमें हमारे अपवाद या हम अपवाद होने की संभावना रहती है। इसीलिए यहाँ पर जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो पहले शिक्षक क्या प्रशिक्षण देने वाले हैं, इसकी योजना वो सब मिलकर बनाते हैं। फिर है विद्यार्थियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण। इसके अंदर जो शिक्षक होते हैं, वो पहली चीज ये ध्यान में रखते हैं कि विद्यार्थियों की क्या आवश्यकता है, विद्यार्थी की आवश्यकताओं को देखते हुए वो क्या करते हैं, इस शिक्षण प्रक्रिया की जो उनकी आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं के आधार पर वो शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। उन्हीं को देखते हुए उन साधनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो उनकी आवश्यकता होगी, जिसका हम ज्ञान देंगे, उससे संबंधित हम उनके लिए उपकरण, साधन, विधि, इन सबका प्रयोग हम उसी के आधार पर करेंगे। फिर आता है अनुदेशित परिस्थितियों को उत्पन्न करने की ये एक प्रविधि है। मैंने पहले भी बताया था कि हमें सूचना किस तरीके से हम चाहते हैं ना,
कि जब हम सूचना हम ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे मन में ऐसी स्थितियां पैदा होनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्राप्त करें। जो अनुदेशन होता है, सूचना हम प्राप्त करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होनी चाहिए कि हम उससे संबंधित ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं एकत्रित या ज्यादा से ज्यादा सूचना लेना चाहें। अगर ऐसा शिक्षार्थी के मन में होगा तो क्या होगा, उनके मन में एक जिज्ञासा प्रवृत्ति उत्पन्न होगी जिससे कि वो एक शिक्षक से फिर उसी से संबंधित दूसरे शिक्षक से वो उस चीज के बारे में अनेकों सूचना एकत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो अनुवेशन परिस्थिति को उत्पन्न करने के लिए ये एक अच्छी प्रविधि होती है। फिर है कि यह प्रविधि एक लचीली प्रविधि है क्योंकि हम इसमें समय आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर हम क्या करते रहते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो इसको एक परिवर्तन लचीली प्रविधि भी हम कहते हैं। इसमें एक चीज ये है कि इसमें शिक्षक एक दूसरे शिक्षकों की जो दूरी होती है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों मैंने बताई थी आप लोगों को इस चीज के बारे में कि शिक्षक जब सहकारिता के आधार पर कार्य करेंगे वो आपस में मिलकर, क्योंकि जब इनको योजना उनको संचालित करनी होती है तो वो दो या दो से अधिक शिक्षक जब मिलकर एक साथ उस कार्य को करते हैं तो वो आपस में जो उनके अंदर दूरी होती है वो मिट जाती है, क्योंकि वो आपस में मिलकर उस बात का डिस्कस करते हैं। जो उनका डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी उनका खत्म हो जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, नेक्स्ट विशेषता क्या है, इसका जो शिक्षक का उत्तरदायित्व एक शिक्षक का ना होकर संपूर्ण जो उसकी टोली होती है, दल होता है, उसका होता है। क्योंकि जो दल बनाया जाता है उस पूरे दल का उसमें प्रत्येक की सबकी अपनी अहम भूमिका होती है, किसी एक पर उसका उत्तरदायित्व नहीं होता है। इसमें शिक्षक अपनी जो क्रियाएं हैं वो स्वयं निर्धारित करते हुए कार्य करता है। फिर है कि जो मैंने बताया आपको कि ये सबसे लचीली यानी कि हम इसको परिवर्तनशील समय और आवश्यकता के आधार पर इसको परिवर्तित करते रहते हैं। तो बच्चों ये हम इन्हें आज जो टीम टीचिंग है उसके बारे में आज हमने बेसिक चीज जानी कि ये कब प्रारंभ हुई, कहाँ से शुरू हुई। तो जो 1955 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुई, फिर बाद में हमने देखा कि दल शिक्षण को हम सहकारिता शिक्षण विधि या हम टीम टीचिंग समूह टीचिंग भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें मैं जान रही हूँ कि आपको कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे इसके अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, सिद्धांत, कार्य, लाभ और सीमाएं, इनके सब बिंदुओं के बारे में हम जानेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ इसकी परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करवाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे की जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो लेकर बच्चों आऊंगी। धन्यवाद।